एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए।